एस वाई एल ते रिहाई वर्गे जिहड़े गीत जिहड़े पंजाब दे हक्कां दी गल करदे ने उहनां ते भी बैन लाया गया। सो जे भाजपा चाहुंदी आउण वाले समें दे विच पंजाब दे लोकां दा सहयोग लैणा, सिख कौम दा सहयोग लैणा, तां जिहड़े पंजाब दे मसले ने ये पहल दे आधार ते हल करने पैणगे, तां पंजाब दे लोक सहयोग दे सकदे ने। सब तो पहलों सारयां नूं फतेह बुलाउणा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज बड़े अहम मुद्दे ते मैं तुहाडे नाल लाइव हो रहा, रूबरू हो रहा, क्योंकि अज देश दे राष्ट्रपति दी जिहड़ी चोण होण जा रही आ, अते इस चोण दे विच जो मैं अपने तौर ते जिहड़ा इस चोण दा बाइकाट कर रहा, उस दे संबंध दे विच तुहाडे नाल विचार सांझे करन लई रूबरू होया वी क्यों बाइकाट कर रहा। क्योंकि जे असीं पंजाब दी गल करिए, देश दे विच लंबा समा कांग्रेस ने राज कीता, केंद्र दे विच कांग्रेस दी सरकारां रहियां, लेकिन पंजाब नाल हमेशा ही वितकरे हुंदे आए ने। बेशक पंजाब ने, सिख कौम ने हमेशा ही देश दे लई बड़ियां महान कुरबानियां दित्तियां, चाहे देश नूं आजादी दिवाउण दी गल सीगी, 80% कुरबानियां पंजाबियां ने, सिख कौम ने दित्तियां ने, चाहे देश दे लोकां दा ढिड भरन दी गल सी, उस दे विच वी पंजाब दे किसानां दा बहुत वड्डा योगदान रहा। लेकिन देश आजाद होण तों बाद साडे नाल बड़े वितकरे होए ने। सब तों पहलां तां सिखां नूं जराइम पेशा कौम दा खिताब दित्ता गया केंद्र दी सरकार वल्लों, अते उस तों बाद साडे जिहड़े पंजाब दे मुद्दे सीगे, जिहड़े सानूं जिहड़ा पंजाब दित्ता गया जिहदे विच पंजाबी बोलदे इलाके जिहड़े उह नहीं दित्ते गए, चंडीगढ़ जिहड़ा पंजाब दे पिंडां नूं उजाड़ के वसाया गया सी, जिते उपर पंजाब दा हक आ चंडीगढ़ ते, उह चंडीगढ़ अज तक सानूं पंजाब नूं नहीं दित्ता गया। पंजाब दे जिहड़े पाणियां दे मसले ने उह हल नहीं कीते गए, एस वाई एल जिहड़ी तक्के नाल नहर कढ़न दा जिहड़ा उह सारी शुरुआत वी केंद्र दी कांग्रेस सरकार वल्लों कीती गई, उहदे नाल ही जिहड़ी सिखां दी नसल कुशी होई आ, दरबार साहिब ते हमला होया 84 दे विच, जो दंगे होए ने सारयां लई जिहड़ी कांग्रेस जिम्मेवार आ। सो इस लई कांग्रेस तों सानूं कोई वी उम्मीद नहीं कि उह साडे पंजाब दे इहनां मसलियां दा हल करूगी, जिन्हां ने बहुत वड्डियां धक्केशाहियां पंजाब दे नाल सिख कौम नाल कीतियां ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिहदे नाल साडे अलायंस वीरिया श्रोमणी अकाली दल दा, इस पार्टी तों सानूं बहुत वड्डियां उम्मीदां सी कि इह पार्टी साडे मसले हल करूगी, लेकिन भाजपा दे विच भाजपा दी केंद्र दी सरकार आउण तों बाद वी साडे मसले हल नहीं होए, चाहे कितें साडी लीडरशिप दीआं कमियां रहियां ने जां कितें कोई निजी स्वार्थ रहे ने, कारण पता नहीं की ने, लेकिन वह मसले साढ़े हल नहीं होए। अते हुण भी जो पार्टी वल्लों जो भाजपा नूं उन्हां दे उम्मीदवार नूं, क्योंकि जो भाजपा दा उम्मीदवार आ वह पछड़े कबीलियां दे विचों आ, साडा उस नाल कोई विरोध नहीं, लेकिन जो पार्टी वल्लों फैसला लिया गया वोट पाउण दा, उहदे लई मैं समझदा कि मेरे तों वी कोई सलाह नहीं ली गई, पुछया नहीं गया, उहदे नाल ही मैं समझदा कि जिहड़ी सिख कौम तों वी उहदे बारे कोई राय नहीं ली गई। मैं वोट पाउण तों पहलां अपने हल्के दे जिहड़े लोक ने जिन्हां ने मैनूं इस वोट दा अधिकार दित्ता, उहनां दे नाल सलाह मशवरा करन तों बाद, वर्करां नाल सलाह मशवरा करन तों बाद, इत्थों तक कि बहुत समती श्रोमणी अकाली दल दी लीडरशिप नाल सलाह करन तों बाद, बुद्धिजीवी वर्ग दे नाल सलाह करन तों बाद, अते उहदे नाल ही जिहड़ी पंथ दी जिहड़ी सोच हैगी आ, पंथ दी जो भावनावां ने, उन्हां अनुसार ये जिहड़ा बाइकाट करन दा फैसला लिया। क्योंकि जिहड़े साडे पंजाब दे मसले ने, चाहे उह चंडीगढ़ दा मसला, अज देखो चंडीगढ़ दे विच केंद्र दी सरकार वल्लों हरियाणे नूं विधानसभा बनाउण लई जगह दित्ती जा रही है, जो शरेआम साडे नाल धक्का, बिल्कुल उह जगह नहीं देनी चाहीदी, उहदे नाल ही जिहड़ी पंजाब यूनीवर्सिटी आ उसदा केंद्रीकरण कीता जा रहा, उह वी साडे नाल धक्का वा, केंद्र दे जिहड़े मुलाजम सर्विस रूल लागू कीते जा रहे ने, साडा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड दा जिहड़ा उह मसला हैगा, सो उहदे नाल ही बंदी सिंघां दी रिहाई दा जिहड़ा मामला हैगा, अते उस तों वी धक्का जिहड़ा कीता गया कि एस वाई एल ते रिहाई वर्गे जिहड़े गीत जिहड़े पंजाब दे हक्कां दी गल करदे ने उहनां ते वी बैन लाया गया। सो इह जिहड़ियां धक्केशाहियां कीतियां गईआं ने पंजाब दे नाल, सो इसे करके जिहड़ा पंजाबियां दे जो मनां दे विच इस गल दा विरोध है। सो जे भाजपा चाहुंदी आउण वाले समें दे विच पंजाब दे लोकां दा सहयोग लैणा,
सिख कौम का सहयोग लेना तो जिहड़े पंजाब दे मसले ने यह पहल दे आधार ते हल करने पैणगे तो पंजाब दे लोग सहयोग दे सकदे ने ते नहीं तो जिहड़ा पंजाब हैगा हमेशा ही आपदे हक्कां लई लड़ाई लड़दा आया ते आने वाले समय विच भी लड़दा रहूगा। श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी पंच दी नुमाइंदा जथेबंदी आ जिसने हमेशा ही पंजाब दे हक्कां लई बड़ियां लड़ाइयां लड़ियां ने, लेकिन अज जो हालात पार्टी दे बने ने अज तीन सीटां साडे कोल रह गईआं ने कितने किते उहदे विच जो पार्टी वालों पिछले समय च गलतियां कीतियां गईआं कुछ गलत फैसले लए गए ने मैं समझदा उह वी इक कारण ने। जे आने वाले समय दे विच पार्टी चाहुंदी आ दुबारा मजबूत होना अपने पैरां ते खड़ा होना तां जो लोकां दीआं भावनावां ने सिख कौम दीआं भावनावां ने उहनां अनुसार पार्टी काम करे। पिछले समय च सा इकबाल सिंह झूंदा की अगवाई दे विच इक कमेटी बनाई गई सी जिसने तकरीबन 100 हलकियां दे विच जाके वर्करां नूं मिलके लोकां नूं मिलके जो लोकां दीआं भावनावां ने जां वर्करां दीआं भावनावां ने सिख कौम दीआं जो भावनावां ने उस रिपोर्ट दे विच ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।